أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيد المرسلين والانبياء وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي. محترم ناظرين او ناظرات سامعين او سامعات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجفرهم الله رب العزة والجلال كي كش مزيد लफ्जी खसास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अलीवार मुशाहन और मुशाहिद और हमारे सामीन और सामियात अल्लाह आप सबको खुश रखे और रब्ज़त वजलाल की सही मारफ़त सच्ची पहचान आपको और हमें नसीब फरमाए दीन भाइयों इस्लामी माँ और बहनों आप सभी जानते हैं कुरान मजीद पूरे का पूरा अल्लाह की ता मुकदस पर ईमान और उसकी और सिफात पर ईमान और उसकी ताज़ीम अहतराम और तकदीस की दावत का नाम कुरान मजीद को अगर किताब तोहद कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा उसका कोई सफ़ा अल्लाह के और सिफात से खाली नहीं यही वजह है कि हम देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह अल्लाजिला का जिक्र मुबारक उसके कभी किसी नाम के साथ या उसकी सिफात में से किसी सिफत के साथ बार बार आया है बल्कि ऐसी आयतें जो अहकाम वाली आयतें हैं मामलात वाली आयतें लेन देन की आयतें हैं उनका भी अख्तित आप देखिए तो अल्लाह रब्ज़त वजलाल के असमा और सिफात पर हुआ है कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये नाम 2,702 हज़ार सात मरतबा अल्लाह आया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन कुरान मजीद के हर सफ़े में मुतवस्सित तौर पर कम कम से कम 20 मरतबा ज़िक्र किया गया है और ये खसूसियत अल्लाह के किसी और दूसरे नाम को नसीब नहीं पुरानी करीम में अल्लाह जिल्ल जलालहू का ये इसमी ग्रामी सबसे ज़्यादा मजकूर हुआ है इससे ज़्यादा कोई और अल्लाह ताली का नाम इस कसरत के साथ वारिद नहीं हुआ है जैसा कि मैंने बताया दो हज़ार सात सौ दो मरतबा और कभी ये मरफूआन आया है कभी मनसूबा कभी मजरूरा आया है तो सब की तदाद असमल्लाफसना पर लिखने वाले मालफिन ने उन तमाम का तस्करा किया है बर कैफ और अल्ला का लफ् क़ुरान मजीद में पाँच मरतबा मजकूर हुआ है अहादिस में तो बहुत उसका तस्करा है तैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ अल अंत रबी अला का एक जतीिय और नाम है अर्रहण पुरानी मजीद में सिर्फ सत्तावन मरतबा फ़िफ्टी सेवन मरतबा और फातिहा में अल्लाह का एक और नाम आगाज़ी में जिक्र किया गया है अर्रहीम ये एक सौ चौदह मरतबा जिक्र किया गया है बर और अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ और ख़ास ज़ाती नाम और आलम ख़ास अल्लाह जल्ल जला जैसा कि हमने आपको बताया जिसको रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसान चाहे वह किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले होंबी हों या अजमी सभी जानते हैं और सारे जहानों के परवरदिगार और पालनहार का ये नाम है सबको मालूम है वही सारे जहानों का खालिक और मालिक भी है राजिक और मदबिर भी है उसी के हाथ में ज़िंदगी और मौत के फैसलों का इख्तियार भी है वही हमारे नफ़ा और नुकसान का मालिक भी है और जमहूरमा कराम के नज़दीक इसी इसम को इसम ग्रामी को अल्लाह के इसम आज़म और आलम ख़ास होने का शर्फ भी हासिल है और इस नाम की शराह से मुतलक जो मसाइल हैं उसमें से एक मसला हम उसको एक ख़ास एक से ज़्यादा एपिसोड में इसमें आज़म से मतलब मा के अकवाल हर कौल के दलीलें और फिर राजल किसका है वो सारे जिक्र करेंगे बरकै कर दीनी भाइयों चलिए और अल्लाह के इस इसमें ग्रामी के खसूसियात की तरफ आगे बढ़ते हैं अगर कोई गैर मुस्लिम कलम तोहैद में लाला महमदर रसोल्लह उसके दो जुज़ हैं ला अला पहला जुज़ है उसके आखिर में इसमें ग्रामी अल्लाह मौजूद है महमदर रसोल्ला सल्ला वम इसके आखिर में भी अल्लाह का इनाम मौजूद है और इन दोनों अज्जा के जो हरूफ़ हैं पहले जज् के बारह हरूफ और दूसरे जज् के भी बारह हरूफ चौबीस हरूफ से ये क़लिमा बना है और इस क़लिमे में कोई हर्फ नुक्ते वाला नहीं है और पहला जज़् लाला ला, ये इस क़लिमे को अदा करते वक्त होटों को मिलाने और हरकत करने की ज़रूरत नहीं है महम्मद और रसूल्ला में अलबत्त मीम दो मरतबा जब तक आप मीम आ, को अदा करने के लिए दोनों होंटों को मिलाएंगे नहीं वो अदा नहीं होगा महमद रसूल ल्ला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई गैर मुस्लिम ये क़लिमा लाइम अलमलिक्दसा सलामिन जितने शुर हचर में कुरान मजीद में अल्ला के नाम आए और इसमें ग्रामी अल्लाह ना ले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बजाय रहमान रहीम अल अज़ीज़ अल वदूद सारे नाम गिनवा दे और अल्लाह का नाम ना ले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता उसका इस्लाम मोतबर नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान से अल्लाह का इसम ग्रामी अल्लाह का एतराफ़ और इकरार नहीं किया है तो मालूम हुआ कि आदमी का इस्लाम उसी वक्त मोतबर होगा जब वो अल्लाह के इस नाम का एतराफ़ और इकरार अपनी ज़ुबान से करे दिल में उस पर उसके मानी पर यकीन रखे इस नाम की एक और ख़ूसियत ये है लफज़ी ख़ूसियात बयान की जा रही हैं इस पर जो अलीफ्लाम आया बरा तारीफ़ आया है और वो जुज्व क़लिमा बन गया के कि बाज़ल तरफ़ को अलफलाम बर तारीफ होने से भी इनकार है इसकी एक और खसूसियत खूसियत नंबर सत्ताईस अरबी ज़ुबान में सिर्फ इसी नाम पर ताय कसम वारिद होती है वरना हरफ्ता बरा कसम किसी भी इसम पर वारिद नहीं होता और हरफ़्त बरए कसम कुरान मजीद में नौ मकाम पर आया है तो जैसे मिसाल के तौर तो पर सूर युसफ के आयत नंबर सेवेंटी थ्री में तिहत्तर में खाल तला लक़द तुम और माजी खन्ना शारकिन सफ़ ही के आयत नंबर नाइन्टी वन में इक्यानवे में अल्लाह का फरमान है खाल तल्ला लकदरा वीन खन्ना इन तो मालूम हुआ कि ता जो कसम का माना देने के लिए आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के इस इस्नाम नामी पर ही आता है उसकी एक और खसूसियत यह है कि ज़ुबान अरबी में सिर्फ़ इसी के आखिर में हरफ मीम बराए निदा शामिल किया जाता है और वह हर्फ निदा या का काम देता है फिर उसके साथ हर्फ निदा या शामिल नहीं हो सकता मिसाल के तौर पर हम या अल्लाहुम्मा नहीं कह सकते सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंत रब्बी अल्लांबी ला लालांत खलकनी वाना अब्दुक वाना अलादिक विक मस्तात तो बर कैफ़ अल्ला का माना ही है या अल्लाह। तो मीम आखिर में सिर्फ़ इसी नाम के साथ आता है इसी तरह से इस इसमें ग्रामी अल्लाह पर हर्फ निदा या बरा है रास दाखिल होता है अल्लाह ताला के दूसरे सिफाती नामों के साथ अगर वो अलिफ लाम के साथ मारिफा हैं मौरब लाम हैं तो उस सूरत में उन पर अलिफ लाम अगर मौजूद है तो उसको हजफ़ करना पड़ेगा मिसाल के तौर पर या अल-रहमान या अल-कुद्दूस या अलालीम नहीं कहते बल्कि लाम को हजफ़ करके या रहमान या कुद्दूस या या हकीम या गफ़ूर या वदूद वहाँ लाम को हजफ करना पड़ता है लेकिन लफ्ज़ अल्लाह पर जब या हम दाखिल करते हैं जो हरफ निदा है आवाज़ देने के लिए है तो या अल्ला लाम को हजफ किए ही बोलते हैं तो ये इस नाम की एक अज़ीम खसूसियत है एक और बेहतरीन खसूसियत इस नाम की ये है कि इस इसम ग्रामी अल्लाह ही का एक हादसा है कि ज़ुबान अरबी में सिर्फ इसी के साथ अलहमद का इस्तेमाल उसी ज़ात बाबरकत के लिए किया जाता है जैसे अलहद ला आपदिलहमान या अहमदिल्रहीम नहीं कह सकते हमदल अल्मदल गफ़ोर नहीं कह सकते आप सुरह फातह की जब तिलावत करते हैं अमद ला क़ुर मजीद में कितनी आयतों में अलहदल्ह कोलहमदल उसकी वजह यह है जिस तरह ये इसमें मुसम्मा की जात और सिफात सब पर मजमून हावी है उसी तरह लफ्ज़ हम तमाम नौत कमाल सिफ़ात जलाल और जमाल का जाम सिफत जाम है तो कामिल तरीन इसम के लिए कामिल तरीन नात और सिफत की ज़रूरत थी तो इसीलिए का जब भी किसी नाम के साथ इतलाक़ होता है तो सिर्फ़ अल्लाह के इस अज़ीम शान नाम अलहमदल्ला इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमदल्ला को अफज़ल्दुआ करार दिया और अल्लाह ने अपने सबसे अफजल किताब कुर मजीद का आगाज़ और अफ्त ही इसी अलहमदिल्लाबिन दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों आज इसी पर इतफ़ा करते हैं अगले एपिसोड में अल्ला अज वजल के इसी इसमें ग्रामी की चंद मजीद खसूसियात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होने की कोशिश करते हैं अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इन शहु जल्द मुलाकात होगी उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान दीनी भाई अबू सैद रहमान उस्मान को इजाज़त दीजिए असलम वरम वर्का